बलोच नस्लकुशी बंद करो तो मारोगे हम निकलेंगे। ये जितने भी खवातीन जो निकले हैं या उनके साथ जितने भी मर्द थे, वो सब के सब इफेक्टिव है। दे आर फैमिली मेंबर्स ऑफ मिसिंग पर्सन। यू हैव बिकम अ लेबोरेटरी ऑफ इस्लाम, जिस जो इस्लाम किसी के समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और आपके जो स्कूल ऑफ वो है, वो गवर्नेंस को नहीं मानना चाहते, वो किसी को मानना नहीं चाहते, सबको पैर की जूती पर रखना चाहते। अगर आपने इस्लाम को सेंटर में रखना है, मुसलमान भाई के साथ खड़े होना है, कश्मीर के और फलस्तीन के मुसलमान भाई के साथ खड़े होना, तो बलूचिस्तान के लोग मुसलमान नहीं है क्या? वो काफर है? उनके साथ तो नहीं खड़े हो। बलोचियों को कितना मारा जाता, औरतों के ऊपर वाटर कैनन वगैरह, यही वाटर कैनन जब वो रबड़ की गोलियां जब फलस्तीनी के ऊपर वो इसराइली मारते हैं तो इन पूरी दुनिया में वो वीडियोस जाती है, इनको बड़ा गुस्सा आता है। तब ये मुसलमान भाई होता है, लेकिन इधर मुसलमान भाइयों के ऊपर होता तो कोई चूच लड़ा नहीं करता, तब ये नेशनलिस्ट बन जाते हैं। नो, पाकिस्तान विल नेवर लर्न बिकॉज यू नो यू लर्न व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स एंड इट्स एन अनफॉर्चुनेट कंट्री पाकिस्तान, अ वेरी अनफॉर्चुनेट कंट्री इन विच पेरेंट्स लाइ टू देयर चिल्ड्रन अबाउट देयर ओन हिस्ट्री। इट इज अ पाकिस्तानी ट्रेडिशन टू लाइ टू योर नेक्स्ट जनरेशन एंड दिस इंटायर एडिफिस ऑफ पाकिस्तान, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इफ यू विल इज बेस्ड ऑन अ लाई, दैट नेशन इज बेस्ड ऑन लाई। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रानूस। Today we bring you a distressing update from Pakistan, where the police have employed harsh measures to suppress protesters denouncing forced disappearances and extrajudicial killings. In an overnight crackdown, water cannons, batons and arrests were used to prevent activists from entering the capital. A substantial number, at least 200 individuals, including protest leader Mahang Baluch, were arrested upon their arrival in capital. Alleged enforced disappearances in Baluchistan province have been voicing their concerns across the country for weeks. Social media videos depict security officials deploying water cannons and tear gas, followed by the forceful removal and beating of protesters with clubs. Initially, Baluch nationalists sought a fair share of provisional resources, but their struggle evolved into a bid for independence. The protesters claim that security forces have been detaining hundreds of their supporters for several years. The situation echoes the tragic events of 1971 leading to the independence of Bangladesh. The Baloch people are facing severe challenges, with thousands reportedly killed or missing due to actions by the Pakistani army. The region is on a trajectory that mirrors the circumstances leading to Bangladesh independence. In the wake of these developments, we will be exploring media responses for the concerning situation. Stay tuned for more updates on Pran News. HRCP ki jab aap report dekhte hain, to usme 2020 and 2021 ke फिगर ये बताता है कि तकरीबन 12 से 15,000 केसेस दर्ज हैं लापता अफराद, बलोच लापता अफराद, गुमशुदा लोग, जिसको जबरी गुमशुदगी भी कहा जाता है, यानी कि जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, अगवा किया गया, या जो इस वक्त लापता हैं, उनके लोग मुसलसल सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके आदमियों को आप एबडक्ट करते हैं, आप लापता करते हैं और आप गुमशुदा करते हैं। और उसके बाद जब उनकी औरतें, बूढ़ी औरतें और बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, शदीद सर्दी की रातों में उनको मारा जाता है और उनकी औरतों और बच्चों को अरेस्ट करके जेलों में रखा जाता है। इतना बड़ा मूवमेंट आज तक बलूचिस्तान की हिस्ट्री में देखा नहीं गया, जिसे लेडीज लीड कर रही है। कि जो मजालिम 75 सालों से बलूचिस्तान में जो हो रहे हैं या होते हुए आ रहे हैं, ये जितने भी खवातीन जो निकले हैं या उनके साथ जितने भी मर्द थे, वो सब के सब इफेक्टिव है। दे आर फैमिली मेंबर्स ऑफ मिसिंग पर्सन। किसी का भाई 14 साल से गायब है, किसी का बाप 14 साल से गायब है, किसी का बेटा गायब है, किसी का मियाँ गायब है। तो इस तरीके से ये पूरा एक कबीला है उन मिसिंग पर्सन का जो बलूचिस्तान से गायब है। अब वो अपने हक की बात करने, और जो पाकिस्तान को चलाते हैं, आप भी जानते हैं पाकिस्तान को कौन चलाता है, वो गए इस्लामाबाद। जैसे ही वो इंटर हुए, उनके साथ जो रवैया पंजाब ने किया,
वो तो 75 सालों से बलूचिस्तान में कर रहे हैं, मगर कैमरे की आंख ने दिखा दी, कैमरे की आंख ने सब कुछ दिखा दिया, किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, किस तरीके से ये गलत बयानी करते हैं और किस तरीके से ये सफाकी करते हैं। पाकिस्तान इज अ क्लासिक केस ऑफ मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस। देखिए कई बार गलतियां हो जाती हैं, पर आप फिर ना उन गलतियों को सुधारते हो और करेक्टिव मेजर्स लेते हो कि भाई चलो ये एक गलती हुई है लेकिन अब हम इसको सुधार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो कुछ भी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उस चक्कर में उन गलतियों को छुपाने का तरीका वो ये जानते कि या तो उसको दबा दो या तो वो डिनाई कर दो। ये दो तरीका है, इधर सप्रेस इट और डिनाई इट। ऐसे गवर्नेंस नहीं चलता, इंसान नहीं चलते। इंसान के दिल में जब मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या मैं अलग हूं, वो फीलिंग आ जाए अगर इंसान के अंदर ना, तो फिर वो समाज बहुत तरह की समस्याओं का शिकार हो जाए। बलूचिस्तान के लोग कोई बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड तो नहीं, बड़े वाले मुफ्ती साहब ये तो प्रो पाकिस्तान बातें कर रहे थे जी, लेकिन उनके साथ हुआ क्या, उनको पहाड़ों की ऊंचाई पे ले जाके गोली मार दी। और जो मैंने सुना कि उनको जो है आपके मुशर्रफ साहब थे या कोई और था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि आपको कुरान की कसम है आप पहाड़ से नीचे उतर जाइए, आपके साथ कुछ नहीं होगा, वो कुरान की कसम खा के नीचे उतर उनको गोली। बलूचिस्तान की औरतों और बच्चों को आप पकड़ के सख्त सर्दी की रातों में जेलों में डाल देंगे, हवालात में बंद करेंगे, उन पे लाठियां बरसाएंगे। ये मुझे समझ में नहीं आती कि कौन से अकलमंद लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस मसले का हल ये है। हमने अभी तक सबक नहीं सीखा, हमने मशरकी पाकिस्तान से भी सबक नहीं सीखा, हमने बातचीत उस वक्त भी नहीं की थी। आपको याद होगा हम जब भी बात करते हैं, देखिए सिर्फ यही नहीं बात, कितने सानियात हो चुके, एक सानिया की बात थोड़ी है, कितने सानियात हो गए, लेकिन उस वक्त भी हम इस बात पर अड़े रहे कि भाई इनको तो ताकत से हम करेंगे, ताकत से इनको बताएंगे, हम इनको बताते हैं कि ये हैं कौन। और उसमें जो है बहुत सारे नाम, उसमें सियासतदान से लेकर जर्नैल तक कौन कौन है जो शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए कि उस वक्त उनके मुतालबात क्या सही नहीं थे, जो बातें वो कही जा रही थी बंगालियों की जानिब से, क्या वो दुरुस्त नहीं थी, वो दुरुस्त थी या नहीं थी। लेकिन उस वक्त जो कुछ हुआ वो नहीं माना गया ना। रास्ता कौन सा इख्तियार किया गया, तशद्दुद का, ताकत का। और अभी भी बलूचिस्तान सब जानते हैं कि वहां का ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो उस वक्त जब आप ताकत का ही रास्ता अपनाते हैं और उनके पर तशद्दुद करेंगे, तो आपके ख्याल में क्या आपको रिजल्ट, क्या आपको नतीजा मुख्तलिफ मिलेगा? सिर्फ पाकिस्तानी है जो अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। ये बड़ी बदनसीब कौम है, ये अपने बच्चों से झूठ बोलती है। साजिश कर दी हमारे खिलाफ, ये हो गया, हम तो बड़े अच्छे थे, हम तो दूध के धुले थे, लेकिन हमारे खिलाफ दुश्मन ने साजिश कर दी, वरना हम ये कर देते। सब झूठ। दैट इज वाई दिस नेशन डज नॉट ग्रो एंड प्रॉस्पर, बिकॉज एवरीबडी इज लाइंग। देखो लोग कहते हैं ना करप्शन है, वो है बिल्कुल है। करप्शन तो दुनिया के हर एक देश में, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है भारत में नहीं होता या चीन में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता या यूरोप में नहीं होता? करप्शन कहां नहीं होता, जहां पे इंसान है वहां पे करप्शन है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री वेयर पेरेंट्स लाई टू देयर चिल्ड्रन रेगुलरली एंड टेल देम फेक हिस्ट्री। ये इतनी बदनसीब कौम है, अपने बच्चों से झूठ बोलती है। इन्होंने इनको 71 की तो लड़ाई हम जीत रखे थे, जीती थी हमने 71 की लड़ाई, पर वो जो सियासी हार गए। अब कैसे सियासी हार गए ये कोई नहीं बता, बस सियासत में हार गए हम लोग, डिप्लोमेसी में हार गए भारत से। बाकी तो हम तो मर्द मोमिन मर्द हक, यूं कर देते हम। 1965 की जंग तो हम, ये सारी झूठी बातें, सारी फ्रॉड बातें, ठीक है। ये खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी, खास तौर से ये जो लाहौर वाले हैं, दे आर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। ये झूठ बोलते हैं, ये परपेट्रेट करते हैं झूठ, है ना। मैं वही बोल रहा हूं, ये वही कर रहे हैं बलोचों के साथ जो इन्होंने बंगालियों के साथ करा था।